रीवा में 13 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले में उसकी मां ही कातिल निकली। पूरा मामला रीवा के पनवार थाना अंतर्गत नस्टी गवा का है। शुक्रवार को हत्या के राज से पर्दा उठाते हुए सच जानकर हर कोई दंग रह गया। बालक की हत्या के राज से आज पुलिस ने पर्दा उठा दिया। हत्या बालक की मां रीना गुप्ता ने गला दबाकर की थी और शव को घर के बगल में निर्माणाधीन मकान में फेंक दिया गया था। बालक माँ के प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था, जिसके कारण निर्दयी माँ ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी मां रीना गुप्ता व उसके आशिक जाहिर अली को गिरफ्तार कर लिया है। 15 तारीख की शाम की घटना है। एक गांव है नस्टी गवा, वहां पे एक 13 वर्ष के बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ऐसी सूचना आई थी। सूचना पर थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे तो बच्चा घर के बगल में उसके कपड़ा पड़ा हुआ था, पड़ा था। उसके बाद हमने FSL टीम बुलाई और सब कुछ PM कराया तो गला दबाने से उसकी मृत्यु होना पाया गया। उसके बाद SP साहब और सारे सीनियर अफसर मौके पे पहुंचे और एक टीम का गठन किया वहीं तत्काल। वो टीम ने अच्छे से काम किया और इस हत्या गला दबाने से पाने पर अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसमें आरोपी मृतक बच्चे की मां निकली और उसका एक सहयोगी, जो उसका तथाकथित प्रेमी बोलेंगे, जिसको अवैध संबंध थे, वो दोनों उसकी संलिप्तता भी